न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। एक सेहतमंद जिंदगी का ख्वाब हर कोई देखता है, पर यह ख्वाब जो है वो हकीकत में तभी बदलता है जब हम एक अच्छी और सही तर्ज जिंदगी को अपनाएं। आजकल हम सभी इस ज़िंदगी में भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर वो चाहे आदमी हो चाहे फिर वो औरत। पर अक्सर देखा जाता है कि जो औरतें होती हैं वो अपने घर की और बाहर की जिम्मेदारी में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी सेहत को नज़रअंदाज करने लग जाती हैं। और एक यही एक वजह होती है जिस वजह से औरतों में जो बीमारियाँ होने का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज इसी बीमारी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो है सर्विकल कैंसर। ये वो बीमारी है जो कि औरतों में आजकल बहुत आम देखने को मिल रही है। वैसे तो इस बीमारी का इलाज मुमकिन है अगर हम इसके अलामात को पहचान सकें, जैसे कि इररेगुलर ब्लीडिंग का होना, फाउल स्मेलिंग का डिस्चार्ज होना और भी बहुत कुछ। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आप महसूस करती हैं तो फौरन अपने डॉक्टर की सलाह लें। लेकिन हो सकता है कि आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स आए ना, तो उसके लिए आप क्या करें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको साल में एक बार अपनी डॉक्टर से अपनी जांच ज़रूर करवानी है। तो नाजरीन, अगर आज आप भी सर्विकल कैंसर पे कोई और जानकारी चाहती हैं, इसके बारे में जानना चाहती हैं, तो आज की ये पेशकश आप लोगों के लिए बेहद ख़ास है। बस आपको हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर कॉल करना होगा और हमारे माहिरीन से अपने सवालात लाइव पूछने होंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नाजरीन, इंसान की तखलीक कुदरत का एक बेहतरीन शाहकार है और हमारे जिस्म के आज़ा भी कुदरत का हैरतअंगेज कारनामा है। कुदरत ने हमारा कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम यानी इम्यूनिटी सिस्टम भी इतना मजबूत बनाया है कि ये खुद ब खुद मुख्तलिफ बीमारियों का मुकाबला करता है और हमें उनसे महफूज रखता है। लेकिन कभी कभी हमारे जिस्म में सेल्स की गड़बड़ी की वजह से बीमारी लाहिक हो जाती है और ये कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेती है। कैंसर से मुराद एक ऐसी बीमारी से है जिसमें जिस्मानी सेल्स बेकाबू होकर तकसीम होने लगते हैं और फिर यही सेल्स नॉर्मल सेल्स को भी तबाह करके पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। कैंसर का मर्ज मर्द और ख्वातीन किसी को भी और किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ख्वातीन में पोशीदा आज़ा का होने वाला कैंसर एक ऐसी मोहलिक बीमारी है जिसके बारे में ख्वातीन अक्सर बात नहीं करती और उसे छुपाती हैं। वैसे भी ज्यादातर ख्वातीन अपने पोशीदा आज़ा को लेकर बहुत हसास होती हैं और मर्ज को दिखाने से भी गुरेज करती हैं। इसका नतीजा जाहिर है कि संगीन हो सकता है और जान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। सर्विकल कैंसर यानी रहम के निचले हिस्से या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ख्वातीन में कैंसर की चौथी सबसे आम शक्ल है। रहम मादर या यूटरस का सबसे निचला हिस्सा जहां वजाइना खत्म होती है और बच्चेदानी शुरू होती है। रहम मादर के मुंह या सर्विक्स का ऐसा ट्यूमर जो फैलता चला जाए कैंसर कहलाता है। 90% मामलात में इस कैंसर का ताल्लुक वायरस से देखा गया है जिसे HPV कहते हैं। इस वायरस के फैलने की वजह एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ जिंसी ताल्लुक, ख्वातीन में सिगरेट नोशी, कमजोर इम्यून सिस्टम और गुर्बत वगैरह का होना है। सर्विकल कैंसर एक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाला कैंसर है
जिसकी पहली स्टेज में सर्विक्स की शक्ल बिगड़ जाती है। पहले दर्जे में ये कैंसर बच्चेदानी के सिरे या बच्चेदानी तक महदूद रहता है, जबकि बाकी मराहिल में ये फैल जाता है। शुरू के मराहिल में मुख्तलिफ थेरेपीज के जरिए इलाज हो सकता है, जबकि तीसरे और चौथे मरहले में सर्जरी के जरिए बच्चेदानी को निकाल देना ही वाहिद इलाज होता है। बहुत सी खवातीन सर्विकल कैंसर की अलामात को नहीं पहचान पाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके महाना हैज का हिस्सा है या पेशाब का इन्फेक्शन है। वो खवातीन जिनकी उम्र 30 साल से जायद है और वो बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, उन्हें एक खास वक्फे के बाद लगातार अपनी जांच कराते रहना चाहिए। चूँकि सर्विकल कैंसर की बुनियादी वजह HPV वायरस है, इसलिए इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगवाने से इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा नौजवानों में जिंसी तालीम, खवातीन के सिगरेट नोशी छोड़ने, बाकायदगी से स्क्रीनिंग कराने और सर्विकल कैंसर के बारे में बेदार रहने से इसके होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। याद रखें, सही मालूमात हासिल करने और बेदार रहने से हम बहुत सी जानलेवा बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। हेलो डॉक्टर, मैं आज का हमारा मौजू है सर्विकल कैंसर्स इन वुमेन, जिसमें हमारे माहिरीन आपको बताएंगे कि सर्विकल कैंसर होता क्या है, इसके वजूहात क्या क्या होते हैं, इसमें बात करेंगे कि वैक्सीनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से एहतियात बरते जाएं कि ये कैंसर हो ही ना, साथ ही किस तरह से एक हेल्दी तर्ज ज़िंदगी अपनाएं, क्योंकि जो एक हेल्दी वुमेन होती है ना, वो एक हेल्दी नेशन के साथ साथ हेल्दी फैमिली भी बनाती है। तो इन्हीं सभी मौजूदात पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक खास पैनल, तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आइए अपने एक्सपर्ट से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन खुराना, आप एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स के IRCH में, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप हैं डॉक्टर हरविंदर कौर, आप DDU हॉस्पिटल दिल्ली में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मैडम के बगल में बैठी हैं डॉक्टर हेमा कोल्हे, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में CMO के पद पर कार्यरत हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है डॉक्टर कोल्हे। आइए बातचीत की शुरुआत करें, उससे पहले पहला सवाल, जैसा कि हमारा टॉपिक हमने बताया सर्वाइकल कैंसर है, डॉक्टर सचिन खुराना आपका रुख करना चाहेंगे, सर्वाइकल कैंसर नाम की जो बीमारी है वो होती क्या है? तो ये देखिए, जैसे कि आप अभी आप सबने वीडियो में भी देखा, बच्चेदानी का जो मुंह है जहाँ पे वेजाइना एंड होती है और उधर से बच्चेदानी स्टार्ट होता है, उस हिस्से को हम सर्विक्स कहते हैं। कैंसर क्या होता है? कैंसर बॉडी के जो सेल्स हैं उनका और उनका जो रेट है डिवीजन का, वो एकदम से बढ़ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। नॉर्मली भी सेल्स डिवाइड करते हैं, लेकिन वो एक कंट्रोल वे में करते हैं, एक आराम से करते हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर कैंसर शुरू हो रहा है तो वही सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और आसपास के एरिया में घुसने लग जाएंगे और उस अंग से बाहर निकल के दूसरे अंगों में भी जा सकते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसको कैंसर कहते हैं। यही कैंसर अगर बच्चेदानी के मुंह का जो अंग, जिसको हम सर्विक्स बोल रहे हैं, वहाँ से आता है, तो उसको हम सर्वाइकल कैंसर। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर हरविंदर, जैसे कि सर ने हमें एक्सप्लेन किया कि क्या होता है सर्वाइकल कैंसर, पर हम आप देख रहे हैं कि इसके बारे में जो बेदारी है, यानी कि जो अवेयरनेस है, वो बढ़ती जा रही है वुमेंस में, जानती हैं, लेकिन फिर भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या वजह समझें? क्या ये भी एक वजह माने कि औरतें घबराती हैं अपनी बात अपने परिवार को बताने में या डॉक्टर्स को बताने में, अभी भी सामने आने से थोड़ा सा डरती हैं, क्या वजह है? देखिए, जैसा कि आपने, एक तो वजह आपने सबसे पहले बता दी कि महिलाओं के ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपनी फैमिली में लगती है, तो उनकी सेहत सबसे पीछे जी। तो उनको अगर कुछ लक्षण भी आते हैं तो वो बिल्कुल नहीं बताती हैं और डॉक्टर के पास जाने में देरी करती हैं। और दूसरा ये है कि अवेयरनेस होने के बावजूद, जिसको हम कह रहे हैं आजकल हम इतनी लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में, तो उसकी वजह से कुछ महिलाएं अब डॉक्टर के पास जा रही हैं, जो केसेस पहले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते थे, जिसको महिला नॉर्मल चीज़ समझ लेती थी कि महावारी में गड़बड़ होना ये मेरे लिए आम चीज़ है, बट लेकिन अब उनको पता चल रहा है कि हाँ, ऐसी कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है कि मेरे को अगर महीने में गड़बड़ हो रही है तो मुझे कुछ बीमारी और डॉक्टर के पास जाना है, तो ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारा जो आजकल इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है, ये देखने में आ रहा है।
और दूसरी बात, लोगों में HPV, आजकल जो HPV वैक्सीनेशन आ गया है उसकी वजह से भी वो लगनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी उसका वो 9 साल पे लगनी शुरू हुई है, जबकि हमारा जो सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है वो 35 में होता है. तो धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद हमें जो है इसका इंसिडेंस कम होता दिखाई देना शुरू होगा, तो उसका इफेक्ट. डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हमारी जो खवातीन हैं उनमें इग्नोरेंस, अनदेखी करना और अवेयरनेस ना होना भी इसकी वजह है. मैं डॉक्टर कोले का रुख करना चाहूँगा. डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसके इंसिडेंस को बढ़ाती हैं? इसमें यह है कि जल्द उम्र में सेक्स स्टार्ट करना, एक से ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स होना, बाद में असुरक्षित संभोग करना, कंडोम का यूज़ ना करना, क्योंकि अगर मेल पार्टनर को HPV वायरस इन्फेक्टेड है तो स्त्री को हो सकता है. दूसरी बात, अपने जो जननांग है उसमें स्वच्छता के अभाव होना, पर्सनल हाइजीन को इग्नोर करना, जिससे कि अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है वो भी, और HPV वायरस है जो इसका कारण है मेन, उससे संक्रमित होना. जल्दी उम्र में बच्चा पैदा करना, बार बार बच्चे होना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स है. इम्यूनिटी का कम होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर मेजर पाया गया है, क्योंकि HPV वायरस तो सब बहुत से महिलाओं में कॉमन है, और 80% जो स्त्रियां हैं वो अपने 50 के उम्र तक इस इन्फेक्शन से कभी ना कभी पीड़ित होती है. लेकिन ये इन्फेक्शन अब टाइम से सही भी होता है या चिकित्सा भी से सही हो जाता है, लेकिन जिन स्त्रियों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें ये जो इन्फेक्शन है HPV का इन्फेक्शन, ये अपने आप सही नहीं होता है और रिकरेंस होते रहता है. तो डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रही हैं अगर जिनमें इम्यूनिटी कम है जी, प्रतिरोधक क्षमता कम है जी, होता है सब में, सब महिलाओं में जी, लेकिन उनमें ये फ्लेयर अप हो जाता है या वो रोग का रूप ले लेता है, ये आप कहना चाहिए? जी, इम्यूनिटी जिनकी कम है उनमें HPV वायरस है, ये बार बार इन्फेक्शन होने से कुछ सालों बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद ये कैंसर का रोग ये पकड़ लेता है, जिसमें सेल्स के चेंजेस होना दिखना शुरू हो जाता है. जैसे डॉक्टर हेमा ने बताया, डॉक्टर सचिन, की HPV अभी हम कंटिन्यू सुनते आ रहे हैं, HPV वायरस है, HPV वैक्सीन्स हैं, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि HPV वायरस होता क्या है. क्या ये सिर्फ हमारे वुमेंस में होता है या फिर इसकी ये वायरस मतलब मेंस में भी पाया जाता है, और हमें क्लियरली आप समझाएं कि HPV वायरस होता क्या है और ये कैसे बॉडी में बनता है? बिल्कुल, देखिए वायरस आजकल तो सबने सुना हुआ है, हर कोई जानता है कि वायरस क्या है. वायरस भी जैसे एक छोटा कीटाणु ही है, एक छोटा कीटाणु है. बैक्टीरिया थोड़ा अलग होता है, वायरस थोड़ा उससे अलग होता है, और आप मान सकते हैं वायरस बैक्टीरिया से भी और ज़्यादा छोटा होता है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं में होता है. इसमें समझने वाली बात ये है कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है. अगर किसी एक को वायरस है तो वो अपने सेक्सुअल कांटेक्ट से दूसरे बंदे को वायरस फैला सकता है. तो सब ये कहना चाह रहे हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल तरीका ही उसके ही ये आगे बढ़ेगा. ये हमारी कम्युनिटी में है जी, ठीक है, ये हमारी कम्युनिटी में हमेशा है. लेकिन एक एक बंदे से दूसरे बंदे में जो जाने का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जैसा कि अभी हमने बात किया, वो है आपका सेक्सुअल कांटेक्ट. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों में होगा. तो वो अब जैसा कि अभी मैम ने बताया कि अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो आपका एक्सपोजर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है. अगर किसी एक को वायरस नहीं हो सकता है, दूसरे को वायरस हो तो एक्सपोजर का आपका रिस्क बढ़ जाता है. और अगर किसी को एड्स का कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे एड्स भी तो एक फैक्टर होता है इसमें मेजर. बिल्कुल, तो एड्स फैक्टर क्यों है? क्योंकि एड्स के अंदर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है. बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, अगर वायरस होगा जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो वायरस को क्लियर कर देगा, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जिसके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो वायरस को अपनी बॉडी से क्लियर नहीं कर पाएगा और वायरस धीरे 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 करके उसमें कैंसरस चेंजेस लाने स्टार्ट कर देगा. जी डॉक्टर साहब, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर कौर, डॉक्टर गुरविंदर कौर आपका, कि अगर हम सर्वाइकल कैंसर किसी व्यक्ति को, किसी महिला को, किसी खवातीन को अगर हो जाता है तो वो धीमे धीमे किन अंगों में फैलता है, किस तरीके से फैलता है, क्या उसकी आगे बढ़ने का तरीका होता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो जाता है महिला को, तो जो उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, क्योंकि ये सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह है, तो हमें महिला को जो सिम्टम्स आएंगे उनको इररेगुलर ब्लीडिंग होगी, और हस्बैंड के साथ कांटेक्ट करने के बाद ब्लीडिंग आएगी जिसको उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना. उसको नीचे पेल्विक पेन, नीचे के रास्ते, जो काफ़ी महिलाएँ कहती हैं कि मुझे नीचे के रास्ते पेन हो रहा है, वो हो रहा है, या बदबूदार पानी जाना, या ऐसी महिलाएं जिनको महावारी बंद हो चुकी है उसके बाद खून का जाना, ये सारे सिम्टम्स लक्षण जो हैं हमारे सर्वाइकल कैंसर के हैं. अब जब सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स को छोड़ के बाकी जो उसके आसपास, आगे हमारी पेशाब की थैली होती है, पीछे हमारा लैट्रिन का रास्ता होता है, जब उन
अंगों को भी ये इफ़ेक्ट करने लगता है, तो मरीज़ को उसके सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, जैसे कि पेशाब में जलन, पेशाब के रास्ते खून आना या फिर लैट्रिन के रास्ते खून आना, और धीरे धीरे लास्ट स्टेज में ये सर्वाइकल कैंसर ब्लड के रास्ते या लिम्फैटिक सिस्टम के रास्ते हमारे बाकी अंगों में भी फैल जाता है, जैसे कि लिवर में चला जाना और पूरी बॉडी को इफेक्ट कर देता है, जो कि लास्ट स्टेज में होता है। बिल्कुल, तो ये सिम्टम्स की बात तो आपने की डॉक्टर हरविंदर, लेकिन कहा जाता है कि जो कैंसर जो फैलता है इसको 15 से 20 साल लग जाते हैं बॉडी में फैलने में, तो क्या कोई प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं हो सकते कि हम सिम्टम्स की वेट करें आने की, जो 15 से 20 साल हमें दिए जा रहे हैं, क्यों ना उसी में ही हम ऐसे एहतियात बरते कि ये सिचुएशन आए ना। डेफिनेटली, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि जैसे कि ये कैंसर, यही ऐसा एक कैंसर है कि जिसको कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं कि जिसके सिम्टम्स आने में, जब तक महिला को पता चलेगा कि हमें कोई प्रॉब्लम है तब तक उसको कैंसर पनप चुका होगा। बट लेकिन उससे पहले, जब जैसा कि मैडम ने बताया कि HPV इन्फेक्शन होता है जिससे हमारे सेल्स के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो वो हम बहुत ईजिली पहले ही कैंसर के डेवलप होने से पहले ही उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो हर महिला को अपना नियमित रूप से 21 साल के बाद, जिसको हम पैप स्मियर कहते हैं, ये एक साधारण सी जांच होती है, ये महिला अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाके और 2 मिनट की, जिस तरह से इनको नीचे से जांच किया जाता है, सर्विक्स देखा जाता है और एक साधारण सी जांच निकाली जाती है, तो हर महिला को 21 साल की उम्र के बाद हर 3 साल पे नियमित रूप से अपनी ये पैप स्मियर की जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम पैप स्मियर टेस्ट की बात करें, ये होता क्या है, किस तरीके से किया जाता है, क्या ये साधारण टेस्ट है या कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, डॉक्टर हरविंदर अगर आप ही बता दें तो बेहतर है। डेफिनेटली, ये बिल्कुल एक साधारण सा टेस्ट है, इसमें कुछ नहीं, जैसे कि अगर कोई महिला हमारे पास लेडी डॉक्टर के पास आती है, गायनोकोलॉजिस्ट के पास आती है, तो इसमें बिल्कुल साधारण सा टेस्ट है, जैसे कि हम सर्विक्स को नीचे से एग्जामिन करते हैं और एक डंडी के रास्ते से हम छोटी सी लकड़ी की डंडी होती है जिसमें हम जांच निकालते हैं, जिसमें कोई पेन नहीं होता, कोई बेहोशी की जरूरत नहीं होती है और महिला को पता तक नहीं चलता, और वो टेस्ट निकाल के हम लैब में भेजते हैं जिसकी रिपोर्ट आ जाती है, और सारी सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त में अवेलेबल है। बिल्कुल। और दूसरी चीज, जहाँ पे अगर सपोज हम बात करें कि जो महिलाएं गांव में रहती हैं या ऐसी जगह रहती हैं कि जहाँ पे पैप स्मियर की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये सैंपल लेके लैब में जाना है, हाँ डेफिनेटली, ऐसी महिलाएं भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, हाँ गांव में नहीं है, बट लेकिन वहाँ पे भी वो महिला डॉक्टर अपना डॉक्टर के पास जाएं, अपनी सर्विक्स की जांच जरूर कराएं, क्योंकि ये एक सर्विक्स को देखने से ही डॉक्टर बता सकती है कि सर्वाइकल कैंसर पनप रहा है या नहीं। आई इसको कहते हैं हम नेकेड विजुअल इंस्पेक्शन विद नेकेड आई। ओके, ठीक है। और अगर और कुछ नहीं तो एक छोटा सा सॉल्यूशन होता है जिसको लगा के जो हमारा सर्विक्स बिल्कुल अलग से दिखता है, पैप स्मियर और इन दोनों से सेम मात्रा में हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण सा टेस्ट है जिसका हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि इतनी आसानी से हम सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी को रोक सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ये कह रही हैं कि अगर अवेयरनेस ना होने की वजह से कई ग्रामीण इलाकों में जो हमारी महिलाएं हैं वो सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाती, और आपके माध्यम से जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं वो जरूर इसको फायदा उठाएंगी और खतरनाक बीमारी से अवश्य बचेंगे। तो जैसे नाजरीन आपको बताया अभी डॉक्टर हरविंदर ने कि एक छोटा सा टेस्ट है पैप स्मियर टेस्ट, अगर आप गांव में रहती हैं तो आप जाकर अपने डॉक्टर से जांच करवा सकते हैं, उसके आगे आपको टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो हर 21 साल के बाद से हर दूसरे से तीसरे साल में ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। थैंक यू सो मच मैम। तो डॉक्टर हेमा, आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहेंगे कि अभी हमने शुरुआती उसमें भी बोला कि लाइफस्टाइल, हमारी जो तर्ज ज़िंदगी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे, हमें सेहतमंद बनाने के लिए, तो आपको क्या लगता है सर्विकल कैंसर में हमारे लाइफस्टाइल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? जी देखो, कारणों में ही एक बात बता चुकी है कि इम्यूनो डिफिशेंसी अगर होना तो वो HPV को प्रमोट करता है। तो एक तो जनरल इम्यूनिटी अपने स्त्रियों को अपनी व्यवस्थित रखना चाहिए, उसके लिए आप आयुर्वेद और योग का सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ जनरल इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स बताए हैं जिससे व्याधि प्रतिकार क्षमता बढ़ती है, जैसे शतावरी, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, ऐसी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो आप सेवन कर सकती हैं। दूसरा यह है कि योग और प्राणायाम, जिससे भी हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही रहता है। दूसरा है कि जेनाइटल जो सिस्टम है, जेनाइटल ट्रैक्ट है, उसका हेल्थ के लिए भी आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सकती है, जैसे कि पर्सनल हाइजीन का न होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर, मेजर रिस्क फैक्टर है इसमें HPV वायरस के लिए। तो उसके लिए कुछ कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे पंचवल्कल क्वाथ है, इसके काढ़े से आप जोनि प्रक्षालन मतलब जेनाइटल वॉश ले सकते हैं। दूसरा है कि त्रिफला, सिंपल सी चीज़ है, त्रिफला का काढ़ा बना के आप उससे वॉश ले सकती है। तीसरा है सबसे आसान और सस्ता
फिटकरी का पानी, जो फूली हुई फिटकरी है वो पानी मिलाकर आप वॉश कर सकते हैं, जिससे आपका जो पीएच का लेवल है वह जाने आपका पीएच लेवल मेंटेन रहेगा। अगर पीएच लेवल मेंटेन है जो नॉर्मल से 3.8 टू 4.5 तक होता है, वो अगर नॉर्मल है तो जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वजाइना का बैक्टीरियम, तो वो सही रहता है, लैक्टोबैसिलस पलते हैं, तो उससे अदर जो डिसीज़ प्रोड्यूसिंग, जो बीमारियां पैदा करने वाले वायरस या बैक्टीरिया है, वो पनप नहीं पाते और एसिडिक मीडियम से वो नलीफाई हो जाते हैं। लेकिन जब ये पाया गया रिसर्च से कि ये पीएच जब बढ़ता है 6 से ऊपर, 5.5 से ऊपर जाता है, तब एचपीवी वायरस होने का चांसेस ये 20% तक बढ़ जाता है। तो आपको आपके जननांग की जो ये है सफाई, इस पर ध्यान देना है। और अगर नॉर्मली अगर पेशेंट के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल पानी और साबुन से वो अपनी जगह धो सकती है। और अगर बदबूदार पानी आए, वाइट डिस्चार्ज हो, फाउल स्मेलिंग स्मेल हो, तब चिकित्सक के पास जाकर वो ऐसी दवाइयाँ ले सकती है जो सरकारी अस्पतालों में भी अवेलेबल है, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ आयुष की सभी डिस्पेंसरीज में पंचवल्कल, क्वा, त्रिफला, फिटकरी, ये सब अवेलेबल है, वो उनका फ़ायदा ले सकते हैं। और जनरल इम्यूनिटी के लिए भी जो ओरली मेडिसिन ले सकते हैं, जिससे इम्यूनिटी बढ़े और जो इन्फेक्शन होने के बाद अपने आप वायरस ये है क्लियर हो जाए और वो सेहतमंद रहे। बिल्कुल, इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि हमारे माहिरीन आपको बता रहे हैं। डॉक्टर सचिन खुराना, आपका रुख करना चाहेंगे, आप सर्वाइकल कैंसर जिनको हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अगर होए ना तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, प्रिवेंटिव आस्पेक्ट पे आप क्या बताना चाहेंगे, और क्या ऐसी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल है और हमारी कोई स्वदेशी वैक्सीन भी है इंडियन में, उस बारे में आप हमें बताएं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल, हमें क्योर की तरफ तो बहुत बाद में सोचना चाहिए, उस स्टेज तक पहुँचना ही नहीं चाहिए, सफरिंग भी नहीं होती। बिल्कुल, हम अपने बचपन में सब बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाते हैं, क्यों लगवाते हैं, जिससे कि वो बीमारी हो ही ना। बीमारी होने के बाद एक दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये एक बहुत ही कम कैंसर हैं जिसके लिए प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, और ये उनमें से एक कैंसर है जो कि लगभग पूरे तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है सिर्फ वैक्सीनेशन के ज़रिए। ये वैक्सीनेशन की जो स्टार्टिंग है वो 9 साल की उम्र से महिलाओं को लगवाई जा सकती है, 9 से 26 साल बोला जाता है जो एक आइडियल एज जिसे कहते हैं कि जो एक सही उम्र है जब ये वैक्सीन लगनी चाहिए, वो 9 से 15 साल है। पर ऐसा नहीं है कि 15 साल के बाद नहीं लग सकती, आप 15 से 26 तक भी लगवा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये 26 साल के बाद नहीं लगाई जा सकती, आप उसके बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ शायद उसका एफिकेसी उतना नहीं रहेगा। मोटी सी बात यह है कि अगर एचपीवी का वायरस बॉडी में आ चुका है तो ये वैक्सीन कारगर नहीं होगी। अगर बॉडी में एचपीवी का वायरस नहीं आया है तो ये वैक्सीन कारगर। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर वैक्सीन लगाएंगे तो अगर राइट एज में लगाई, बिल्कुल आपकी उम्र है, तो एचपीवी का जो वायरस आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं, अगर एचपीवी का वायरस नहीं आएगा तो लगभग 99% केसेस सर्वाइकल कैंसर के वायरस की वजह से होते हैं। अगर वो वायरस बॉडी में ही हमने नहीं आने दिया तो कैंसर होने का सवाल ही पैदा नहीं। बिल्कुल डॉक्टर, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि इसका जो एफिकेसी है, अगर एक बार वैक्सीनेशन हो गया तो ये क्या ताउम्र होल लाइफ के लिए होता है या क्या है? ताउम्र है, आपका एक बार आपने 2 या 3 डोजेस का कोर्स अपना पूरा कर लिया तो आपकी एफिकेसी 90% से ज़्यादा है। बहुत अच्छी एफिकेसी है, 90%। बिल्कुल 90% से ज़्यादा एफिकेसी है इसकी। हाँ, वही उम्र के साथ इसकी एफिकेसी कम हो जाती है, जो आपने पॉइंट आउट किया। सही उम्र बहुत जरूरी, सही उम्र। इसी बीच हमारे सारे कॉलर जुड़ गए, हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। हैलो सर, मैं नैना बात कर रही हूँ। हाँ जी, आपका इस्तकबाल है, अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। जी सर, फर्स्टली तो मैं बोलना चाहूँगी कि आपका ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है, काफ़ी नॉलेज मिलती रहती है। मैं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा सवाल ये है कि मेरी एज है 40, तो ये जो सर ने कहा कि हमें टेस्ट कराना चाहिए रेगुलरली 21 साल के बाद से, तो ये टेस्ट जो है साल में एक बार ही करा लें या 2 साल में एक बार ही करा लें? बहुत अच्छा सवाल है आपका, डॉक्टर साहब आप क्या बताना चाहेंगी? डॉक्टर कौर, जैसा कि आप ये पैप्समियर टेस्ट के बारे में बात कर रही हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको अगर आपकी उम्र के हिसाब से चलते हैं, हमें मैंने जैसा बताया कि 21 साल की उम्र से हमें शुरू कर देना चाहिए और हर 3 साल के बाद इस टेस्ट को रिपीट कराना चाहिए, every 3 years, 3 साल, हर 3 साल के बाद हमें टिल द एज ऑफ  65 years हमें ये टेस्ट कराते रहना चाहिए। और अगर आपके वहाँ फैसिलिटी है कि HPV DNA जो एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है, अगर वो भी करा सकती हैं
तो 30 साल के बाद एचपीवी डीएनए और पैप्समियर दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो हम हर 5 साल के बाद इस टेस्ट को करा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। सो डॉक्टर हरविंदर, यहीं पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे कि सर ने बताया कि 9 से लेकर 26 साल की अभी हमने बात की थी जिसमें वैक्सीनेशन इफ़ेक्टिव रहती है, लेकिन उसके साथ एक दूसरा पहलू और जुड़ता है जिसमें ये कहा जाता है कि जब तक आप किसी कॉन्टैक्ट में नहीं आते तब तक के लिए, यानी कि वायरस तब जब तक आपके अंदर, मतलब एक बार आप कॉन्टैक्ट में आ गए तो फिर उसका जो है एफिकेसी उसकी जो है वो कम हो जाती है। तो फिर हम लगाएं कि फिर 15, 16 साल या 18 साल अगर हम लगा सके तो। अब जो बढ़ती उम्र में जैसे लगाते हैं तो उसमें 100% आपने कहा कि नहीं है, 90% है या इससे भी कम हो जाती है उसकी रेशो, तो इसके अलावा तो फिर आप उन वुमेन्स को क्या बताना चाहेंगी कि उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के साथ साथ क्या क्या उन्हें और प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए? देखो कि ये पहले भी हम जैसे कि मैडम ने भी बताया कि वैक्सीनेशन के अलावा एक तो जो हमें ध्यान रखना चाहिए, कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, देन सबसे इम्पॉर्टेंट हमें जो अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना है वो सिंगल पार्टनर होना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर नहीं होना चाहिए, इवन हमारे हस्बैंड का भी आगे मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स नहीं होने चाहिए, इट शुड बी अ सिंगल रिलेशन, क्योंकि जो HPV इन्फेक्शन है वो हमारे मेल पार्टनर से ही हमारे पास आ रहा है, और अगर मेल पार्टनर के आगे मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो ऑब्वियसली उसको भी इन्फेक्शन होगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सिंगल पार्टनर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होना चाहिए, बाकी स्मोकिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए, HPV वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। ये कुछ सरल से उपाय हैं जिनका छोटी सी जानकारी से हम इसको होने से रोक सकते हैं। सो बेसिकली वैक्सीनेशन के साथ साथ ये चीज़ों का, मतलब ये ज़रूरी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इस चीज़ को ध्यान में रख के चलें, जिससे कि वाइफ जो है इन सब चीज़ों से जो है अपने आप को इस खतरे से अपने आप को बचा के रख सके। बिल्कुल डॉक्टर कोले, यहाँ पे सवाल उठता है जैसे कि डॉक्टर गुरविंदर कौर ने हमें बताया, डॉक्टर हरविंदर कौर ने, कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। आयुर्वेदा का आप नज़रिया हमें बताया कि अगर आयुर्वेदा इस तरह की बीमारियों में, और क्या आप बताना चाहेंगी आयुर्वेदा के नज़रिए से? देखिए आयुर्वेद में इसे जो सर्वाइकल कैंसर है इसका तो डायरेक्ट वर्णन नहीं किया है, लेकिन एक रक्तार्बुद मतलब ये कैंसर का एक टाइप है, लेकिन इसको प्रिवेंशन पार्ट में आयुर्वेदा बहुत अच्छा रोल कर सकता है और इनिशियल स्टेज में भी बहुत अच्छा रोल कर सकता है। जैसे कि पॉजिटिव फैक्टर हमने पहले डिस्कस किया कि इम्यूनिटी हमें अच्छी रखनी चाहिए, और आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे दवाइयों का योगों का वर्णन किया है जिससे लोकल वॉश के लिए, पर्सनल हाइजीन रखने के लिए, ये इसीलिए क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन है जो अगर वजाइना में है तो ऊपर जाकर यूट्रस में जाएगा, तो अलग अलग इन्फेक्शन वो पैदा कर सकता है, तो हमें उसको अरेस्ट वही करना है कि वो इन्फेक्शन हमें पले नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि कोई भी बीज है हम उस पर ज़मीन में डालते हैं तो उसे जो एनवायरमेंट मिलेगा, कंड्यूसिव एनवायरमेंट अगर मिलेगा, वहाँ पानी होगा, ज़मीन अच्छी होगी तो वो बीज अंकुरित होगा। अगर वहाँ उसे पानी और अच्छी ज़मीन नहीं मिली तो बीज जैसे अंकुरित नहीं होगा, वैसे कोई भी वायरस की बात है, वायरस या बैक्टीरिया, अगर वो वायरस हम उसे वो एनवायरनमेंट नहीं देते हैं तो वो बढ़ेगा नहीं, डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसलिए हमें अपनी जो बॉडी की इम्यूनिटी है और लोकल जगह की जो इम्यूनिटी है, मतलब वजाइना का भी, सर्विक्स की भी, तो सर्विक्स हेल्दी रखने को हमें प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसलिए अलग अलग जैसे कि योनि धावन बताया वॉश, वैसे एक पीचू होता है मतलब टैम्पून, तो साफ रुई का कपड़ा लेकर मेडिकेटेड जो ऑयल्स में डिप करके जगह में लगाते हैं, क्योंकि आप वजाइना वॉश कर रहे हैं तो आप बाहर बाहर का पार्ट कर रहे हो, आपको पता है कि सर्विस का पार्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, तो वहाँ तक दवाई का असर हो, दवाई लगे, इसलिए टैम्पून्स हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक सपोजिटरी मतलब वर्ती जो होती है मेडिकेटेड इससे बनाई हुई जो दवाइयाँ होती है वो अंदर रख सकते हैं, ताकि ये किस स्टेज पर जब आपको सफ़ेद पानी जा रहा है, पानी में बदबू आ रही है या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ रही है, तो उसके लिए भी विभिन्न दवाइयाँ होती हैं। लेकिन यह है कि बात वही है कि पेशेंट अपने सिम्टम्स आने पे तुरंत डॉक्टर से सलाह ले और उनके पास जाकर बिल्कुल अपनी शिकायत बताए ताकि इसका इलाज हो सके टाइमली। तो जैसे कि हमारे माहिरीन आपको बार बार बता रहे हैं कि कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होती है तो ज़रूर ज़रूर घबराए नहीं, और किसी तरह की कोई आप शर्म ना महसूस करें, आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनकी सलाह लें और अपनी प्रॉब्लम उनके सामने बताएं, बिकॉज ये एक ऐसी है जो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आपका जिसमें आपका इलाज पॉसिबल है, तो घबराएं नहीं बिल्कुल। इसी के साथ एक ईमेल आया है हमारे पास जो कि है, ये प्रिया हैं और ये 36 साल की हैं और ये चंडीगढ़ से हैं जी। तो ये जानना चाहती हैं कि इनके दो बच्चे हैं और ये जानना चाहती है कि ये इस वक्त सोच रही हैं वैक्सीन, सर्वाइकल वैक्सीन लगवाने की,
तो क्या ये सही है इनके लिए लगवाना, क्या ये इफेक्टिव रहेगी? तो ये लेकिन इस सवाल से पहले एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, आपका इस्तकबाल है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? झारखंड से। झारखंड से, और आपकी उम्र क्या है? उम्र है 25। 25 जी, अपना सवाल पूछिए। मेरी वाइफ का जो है ना ओवेरियन सिस्ट है। ओवेरियन सिस्ट है जी, जी। ओके, और कितना वक्त हो गया है इसको? इसका 3 साल हो गया है। 3 साल, और क्या उम्र क्या है आपकी वाइफ की? उसका 26। अच्छा, उनकी उम्र 26 है और आपकी उम्र 25 है। 3 साल, और क्या उम्र क्या है? अच्छा, ठीक है, हमें आपका सवाल समझ आ गया है, लेकिन अशोक जी हम चाहते हैं कि आप अपने टीवी की जो वॉल्यूम है उसे कम कर लीजिए प्लीज। हाँ मैम जी, तो आप क्या सिस से रिलेट, आप सिस से क्या सवाल करना चाहते हैं? कोई दिक्कत परेशानी आ रही है उन्हें? इलाज इसका मतलब कि कैसे ठीक होगा? अच्छा, इसका क्या इलाज हो सकता है? सो डॉक्टर हरविंदर आप भी बताइए। देखिए, ये डिपेंड करता है कि सिस्ट किस टाइप की सिस्ट है, सिस्ट का साइज कितना बड़ा है, सिस्ट के अंदर क्या अल्ट्रासाउंड में क्या फाइंडिंग आई है, और पेशेंट को क्या कंप्लेन हो रही है, उनको क्या परेशानी हो रही है इस सिस्ट से, उसके बावजूद उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि उसका इलाज किस तरह का रहेगा, कि क्या ये दवाई से ठीक हो जाएगी या इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से पहले कुछ उसको ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ेंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि किस टाइप के सिस्ट है। तो आप जाके तुरंत अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर को दिखाएं और उनका अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट करवाएं, ताकि हम सिस्ट का इलाज कर सकें। तो आपने कुछ ब्लड टेस्ट करवा? आई थिंक कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि डॉक्टर हरविंदर ने आपको बताया कि आप अपने नज़दीकी जो भी अस्पताल हैं वहाँ जाएं, कुछ ब्लड टेस्ट करवाएं, या कोई दिक्कत जो परेशानी, एक बार अपने डॉक्टर की सलाह इस पर ज़रूर लें, तभी आगे की जो भी इसकी जो भी ट्रीटमेंट होगा वो शुरू किया जाएगा। तो हम अपने ईमेल वाले सवाल पे आ जाते हैं। तो ये प्रिया जो हैं 36 साल की हैं, और ये कहती हैं कि इनको वैक्सीनेशन लगवानी है। तो वही जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, सभी को, क्योंकि हमने पहले भी किया था, अवेयरनेस सबके बीच में है, लेकिन ये भी पता है सबको कि इसके बाद इसकी एफिकेसी कम होने लग जाती है। तो एक डर है लोगों में कि काम आएगा कि नहीं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कॉस्टली बहुत है ये वैक्सीन। तो आप बताइए डॉक्टर सचिन, आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि अभी हमने बात किया था, वैक्सीन बताई जाती है कि 45 साल की उम्र तक आप लगवा सकते हैं, पर फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने के बाद इसकी एफिकेसी कम रह जाती है। अगर किसी को एचपीवी हो चुका है तो ये कारगर नहीं रहती है। हमें नहीं पता एचपीवी है कि नहीं है, मोटे तौर पे लगभग 40-60% इसकी एफिकेसी हो सकती है जिस उम्र में हमको बता रहे हैं। अगर ये पैप्स में टेस्ट करवाती हैं, अगर ये मेडिकेशन, ये वैक्सीनेशन लेने से पहले, तो पैप्समेयर टेस्ट में क्या किस तरह की रिपोर्ट मतलब रहेगी कि वायरस अगर नहीं है? हाँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि शादी हो गई है तो पैप्समेयर टेस्ट ओके रहेगा? ऐसा नहीं है। देखिए, पैप्समेयर टेस्ट तो ये चेक करता है कि जो सेल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। ओके, साथ में जैसे मैडम ने बताया था कि हम एचपीवी के टेस्ट को कंबाइन कर सकते हैं, 5 साल में करने के लिए बताया था। अभी सवाल यह है कि वैक्सीनेशन, अगर आप वैक्सीनेशन लेते भी हैं तो मैं स्क्रीनिंग पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि आप स्क्रीनिंग से नहीं भाग सकते। स्क्रीनिंग ज़रूर करवाइए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस वक्त वैक्सीन की एफिकेसी क्या होगी। तो हमारे पास दूसरा एक और मेथड है बचने के लिए, वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में आपका कैंसर या तो बहुत अर्ली स्टेज में या प्री कैंसर स्टेज में, यानी कैंसर के पहली वाली स्टेज में ही पकड़ा जाएगा और बहुत ही हल्के इलाज के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर स्क्रीनिंग में किसी तरह के कोई कैंसर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, हर चीज़ नॉर्मल है, देन शी कैन गो फॉर द टेस्ट वैक्सीन। बिल्कुल, वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं, वैक्सीनेशन के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद भी स्क्रीनिंग से नहीं भागना है, स्क्रीनिंग फिर भी करवानी है। स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है स्क्रीनिंग। ऐसा देखा गया है जिन देशों में स्क्रीनिंग प्रोग्राम या लोग जहाँ के देशों में स्क्रीनिंग अच्छे से करवाई है, सभी लोगों ने करवाई है, वहाँ पे सर्विक्स के कैंसर का इंसिडेंस गिर रहा है।
हमारे देश में गिर नहीं रहा है, या तो स्थिर है या ऊपर उठ रहा है। जो भी वजह है डॉक्टर साहब, चाहे वो हया की वजह से या लोग इग्नोरेंस की वजह से, उस वजह से वो अपना ही नुकसान हो रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम भी उसी लिए है कि लोग आगे आए और अपने गवर्नमेंट द्वारा दी गई फैसिलिटीज का फायदा उठाएं। डॉक्टर खुराना, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम ट्रीटमेंट आस्पेक्ट की बात करें, अगर किसी महिला को डिटेक्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता हो जाता है, तो किस तरीके से आप ट्रीटमेंट की मॉडलिटी आपकी रहती है? ठीक है, पहले मैं एक बात जस्ट आपके पुराने बात में ऐड करना चाहूँगा कि वैक्सीन की कॉस्ट के ऊपर बात है, वो रह गया था। तो अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है वो थोड़ी कॉस्टली है, लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये की है, लेकिन एक स्वदेशी वैक्सीन आने वाली है जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कम कॉस्ट की होगी, 200-300 या 400 रुपए में मिल जाएगी। बहुत गुड न्यूज़, वो कुछ समय में आ जाएगी। उसके बाद मुझे लगता है कि ये कॉस्ट फैक्टर बिल्कुल चले जाना चाहिए और लोगों को आगे आके खुद को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को समझाना चाहिए कि अपने डॉक्टर से मिलें, वैक्सीन के बारे में समझें और वैक्सीन लगवाएं। आम आदमी के अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल वो बढ़ जाएगी। और आपको ये चीज़ लोगों को बतानी है, अगर हमारे जो भी यहाँ पे देख रहे हैं लोग, बिल्कुल हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, वो अपने साथियों को बताएं और बताएं कि वैक्सीन उपलब्ध है, कैंसर से बचा जा सकता है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की तरफ पड़े। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा वही सवाल मैं आपसे फिर से दोहराना चाहूंगा। तो दूसरा सवाल आपका था कि अगर ट्रीटमेंट की बात है, अगर ये कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है तो इसको सिंपल सर्जरी करके पूरे तरीके से निकाला जा सकता है, सर्विक्स को आप निकाला। हाँ, उसमें यूटरस और सर्विक्स दोनों को निकाल देते हैं जी। बहुत अर्ली स्टेज में आता है तो कुछ क्रायोथेरेपीज भी हैं, वो भी यूज़ हो सकती हैं। थोड़ा सा लेट स्टेज में आ सकता है, तो अगर आता है तो उसके अंदर रेडिएशन और कीमो से। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैंसर पूरा ठीक हो सकता है, ये क्यूरेबल भी है। अगर जल्दी या फिर 2 या 3 स्टेज तक पकड़ा जाए तो ये क्योर भी किया जा सकता है। हाँ, 4th स्टेज तक आने के बाद इसे क्योर करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए ज़रूरी है कि सिम्टम्स को इग्नोर ना किया जाए। अगर सिम्टम्स आपको आएंगे और आप जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा, और वहाँ पे अगर हो भी गया है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, ये पूरा ठीक भी हो सकता है। बिल्कुल, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर अर्ली स्टेज में हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कैंसर के शुरुआती दौर पर, तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, और जितना हम डिले करेंगे उतना बीमारी के बढ़ने की आशंका भी रहती है, साथ ही साथ उसके ठीक होने की जो परसेंटेज है वो भी कम हो जाता है। बिल्कुल, यही सेम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी डॉक्टर हरविंदर, ट्रीटमेंट के ऊपर कि आपका क्या नज़रिया है ट्रीटमेंट को लेके और हाइजीन को भी लेके। मैं ये चाहूँगी कि आप भी अपनी तरफ से हम लोगों को बताएं कि किस तरह से हाइजीन मेंटेन की जाए। तो जैसा कि हमने बात करी कि हाइजीन और इम्यूनिटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जिससे हमारा कैंसर जो है आता है हमारे शरीर में, तो महिलाओं को अपनी साफ़ सफाई, नीचे क्लीनिंगनेस, वॉशिंग डेली विद सोप एंड वाटर, और एवरी टाइम यूरिन जाने के बाद अपना एरिया क्लीन रखना चाहिए, कॉटन के अंडर गारमेंट्स यूज़ करने चाहिए, तो साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। देन अपना डाइट पौष्टिक आहार लेना चाहिए। मैं आपको यही रोकना चाहूँगी, ये सवाल मैं एक बार आपसे लेना चाहूँगी डॉक्टर हेमा, कि जो ये अभी हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट को लेके, एलोपैथी का तो अभी हमने ट्रीटमेंट का नज़रिया देखा ही, पर अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो आयुर्वेदिक में इसके ट्रीटमेंट को आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर स्क्रीनिंग कोई पेशेंट को अगर सिम्टम्स आते हैं और वो पैप टेस्ट कराती है जी, हाँ जी, फिर तो पैप टेस्ट टेस्ट करने के बाद जी, जब उसमें डिस्प्लेसिया दिखता है, मतलब सेल्स में चेंजेस दिख रहे हैं, उस स्टेज तक हम आयुर्वेद के सहारे से उसको रोक सकते हैं। ओके, जैसे कि बहुत से ऐसे द्रव्य है, मतलब हर्ब्स है, जिनका इस पर अच्छा रिजल्ट पाया गया है, नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं अलग अलग जगह, उस स्टडीज़ में पाया गया है कि अपने सिंपल टर्मेरिक, मतलब हल्दी, इसका एक टर्मेरिक ऑयल यूज़ करके देखा गया है, जिसमें इसके जो सेल्स थे अटिपिकल सेल्स जो बढ़े गए हैं HPV वायरस के कारण, जो सेल्स में चेंजेस आए हैं, तो ये उस पर कारगर पाया गया है, उसके सेल्स का रिग्रेशन या कुछ इस पर क्लियर भी हो चुका है कुछ पेशेंट्स में। वैसे ही मैडम, मैं थोड़ा आपको रोकना चाह रहा हूँ, हमारे एक व्यूअर जुड़ गए, फिर आपका हम रुख करना चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, अपने टीवी का जो वॉल्यूम है आप बंद कर लीजिए, तभी आप हमको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। जी सर, अपना सवाल पूछिए। सर, 3 साल से मुझे ओवेरियन सिस्ट है जी,
सर 3 साल से मेरा ओवरियन सिस्ट है, उस वजह से पीरियड में मेरा ओवर ब्लीडिंग और पेन बहुत होता है जी। हाँ डॉक्टर हरविंदर, आप क्या बताना चाहेंगे? इसके लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि आपका जो ओवेरियन सिस्ट है वो कितना बड़ा है, क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ मैडम, सवाल का जवाब दीजिए, डॉक्टर साहब आपसे सवाल कर रहे हैं। जी हाँ मैम, दिखाया है, 5 mm का है। तो 5 mm के सिस्ट के लिए हमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये सिस्ट धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है? ठीक है मैडम, आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका है, शुक्रिया। तो इनको लास्ट में मतलब सलाह में यही है कि अपने डॉक्टर्स के पास एक बार जाएं, मतलब इससे इतने 5 mm के सिस्ट पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली क्योरेबल है, बस आप अपने डॉक्टर से अच्छे से इसकी जाँच कराएँ जी। तो हम बात कर रहे थे, डॉक्टर हेमा आप कुछ कह रही थी जी। तो जो इनिशियल स्टेज में हमें जब चेंजेस मिलते हैं तो हम उस स्टेज में आयुर्वेदिक मेडिसिन देकर उसको रोकथाम कर सकते हैं ताकि ये फर्दर स्टेज में प्रोग्रेशन न करे और HPV वायरस क्लियर हुए। तो 2-3 ड्रग जैसे पाए गए हैं नए रिसर्चेस में, जैसे क्लेरोडोंट्रॉन विस्कोसम जिसको भांडेर कहते हैं आयुर्वेद में, या भंटा ये हिंदी में कहते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसका वो एक्वेस एक्सट्रैक्ट का रिजल्ट पाया गया है कि ये सर्वाइकल कैंसर में अच्छा रिजल्ट दिखाता है और ये वायरस उसमें क्लियर हो जाता है। वैसे ही एक क्रीम पे नया रिसर्च हुआ है जिसमें सिर्फ लोकल एप्लीकेशन से ही देखा गया है कि जिसमें सिंपल ड्रग्स है जैसे एलोवेरा, नीम, हल्दी और तुलसी, इनका एक्सट्रैक्ट से बनाया गया जो क्रीम है इसका 30 दिन लोकल एप्लीकेशन से ये पाया गया कि HPV वायरस 80% केसेस में क्लियर हो चुका है। एलोवेरा, नीम, हल्दी एंड तुलसी। तो इसका मतलब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? नहीं, ये तो एक स्टडी थी तो उसमें क्रीम बेस में वो तैयार किया गया है। क्रीम बेस में तैयार किया गया है। तो जब आपको सर्विस में अगर चेंजेस दिखते हैं, जब भी डॉक्टर के पास दिखाया है तो हेल्दी और अनहेल्दी सर्विक्स से पहचान जाती है। तो अगर अनहेल्दी सर्विक्स है तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें लोकल एप्लीकेशन आप कर सकते हैं और इंटरनली भी मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे द्रव्य है आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो स्टेज टू स्टेज चेंज हो जाएंगे। लेकिन कुछ कॉमन एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम आराम कर सकते से इससे जो है आरोग्यवर्धिनी है, त्रिफला गुग्गुल है, बहुत सारी दवाइयां हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहीं पर डॉक्टर हेमा हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को आज जो सर्वाइकल कैंसर जो हमारा टॉपिक है इस पर आप क्या एक मैसेज छोटा सा देना चाहेंगे जिससे कि अवेयरनेस और बढ़े। जी कि जैसे कि इसमें बताया है कि क्या क्या कारण हैं, तो इस कारणों को हम दूर रखें जिससे ये बीमारी होना। और लेडीज़ को ये पर्टिकुलरली सलाह दी जाती है कि अपने कोई भी जो सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको लक्षण आ रहे हैं, इरेगुलर पीरियड हो गया या 2 पीरियड के बीच में रक्तस्राव हो रहा है या संबंध के बाद रक्तस्राव, तो इसको इग्नोर न करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। जब भी आपके डॉक्टर आपको अंदर से जाँच करने के लिए मतलब PV करने के लिए एडवाइस करती है तो उसमें शर्माए नहीं और संकोच के कारण वो टेस्ट मतलब रोके नहीं, क्योंकि जब आपकी नेकेड आई से या देख के स्पेकुलम से देख के जब जांच की जाती है तभी पता चलता है कि सर्विस में कुछ चेंजेस है या फिर पैप्समेयर करने की ज़रूरत है, तो ये डॉक्टर डिसाइड कर सकता है, तो उसे रोके नहीं। और अपना आहार अच्छा ले, आहार के साथ साथ योग और प्राणायाम का सहारा ले जिससे कि आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहे। और कुछ मेडिसिन है जो आपके फर्टिलिटी के लिए, आपके पूरे हेल्थ सिस्टम के लिए और जेनेटल सिस्टम्स के लिए हेल्दी है, उनका नियमित सेवन करते रहे, जैसे अशोक, सारीवाल, लोद्र, शतावरी, अश्वगंधा, जो सब स्त्रियां इसका सेवन कर सकती है, गिलोय जैसे हो गए हैं, तो इनका सेवन करें और अपना जीवन खुद ही अपना स्वस्थ रखें। बिल्कुल, एक होलिस्टिक अप्रोच बना के रखें। डॉक्टर हरविंदर आपका रुख करना चाहेंगे, आप क्या पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी आज हमारे जो ये अवेयरनेस के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है? सबसे पहले तो यही बताना कहना चाहूँगी कि एक ऐसा कैंसर है जिसको हम सरल कदमों से बचाया जा सकता है, साधारण सी जानकारी से, जैसे कि कम रूम में शादी ना करना, धूम्रपान का सेवन ना करना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना होना, इसके अलावा नियमित रूप से अपनी पैप स्मियर की हर 3 साल में जांच कराना, और अगर कुछ भी लक्षण आपको दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसमें कोई संकोच ना करें। और मैं आशा करती हूँ कि हम सब लोग मिलकर इस जानलेवा बीमारी को मिटा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने डॉक्टर हरविंदर। डॉक्टर सचिन आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं तीन बातें बोलूँगा आज, अगर जो जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं आज ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वैक्सीन की बात करें, अपने साथियों को, अपने बेटियों को, अपने साथ में, अपने मोहल्ले में, अपने रहने सहन सबको बताएं कि इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। और ये जो जांच है 5 मिनट की जांच है, 5 साल में या 3 साल में अपने शरीर के लिए 5 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे हमारा देश का जो स्वास्थ्य बजट है वो भी बचता है, वो बचता है, सफरिंग बचती है, सफरिंग टाइम बचता है। 3 साल में 5 मिनट क्या चीज़ है, कुछ भी। और अपनी सेहत के लिए हम कितना टाइम गप्पों में बिता देते हैं, कितना कुछ कर देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। 5 मिनट अपनी हेल्थ में देने के लिए कोई हर्ज नहीं है। और संकोच ना करें, कोई भी सिम्टम आए तो तुरंत अपने डॉक्टर को, एक तरह से अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने मुल्क के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल 100%। तो इसको एक बार सम अप कर लेते हैं। तो जैसे हमारे माहिरीन ने बताया, जैसे डॉक्टर हेमा ने बताया कि इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, जो भी इसके अलामात हैं, जो भी सिम्टम्स हैं इसके, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, घबराना नहीं है, छुपाना नहीं है। और जो भी मेडिकेशंस जैसे कि डॉक्टर हेमा ने बताई हैं, तो उसके लिए ये है कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और डॉक्टर हरविंदर ने बताया कि ईजी स्टेप से क्योर हो सकता है ये, और पैप्समेयर टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जो पैप्समेयर टेस्ट है हर 3 साल के बाद आप इसको ज़रूर ज़रूर करवाएं। बिकॉज बात ठीक, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर सचिन ने कि हम हर चीज, हर जगह अपना वक्त देते हैं, अपने लिए अगर वक्त थोड़ा सा निकाला तो उसमें क्या बुरा किया। तो पैप्समेयर टेस्ट ज़रूर कराएं हर 3 साल की उम्र में। और डॉक्टर सचिन ने बताया कि अपनी गायनिक को आप रेगुलर इंटरवल पे आप उनसे उनकी सलाह लेते रहें, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, फैमिली फ्रेंड्स, एक मदर एक डॉटर को ज़रूर समझाए, एक फ्रेंड्स अपनी दूसरी फ्रेंड को, जिस तरह से बाकी सारी बातें हम करते हैं एक दूसरे से, हम उनकी हेल्थ से भी रिलेटेड एक दूसरे को बताएं कि तुम ये करो, मैंने ये किया, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कैंपेन्स के थ्रू हर जगह के, लेकिन जो हम लोग अपने खुद से अपनी सोशल लाइफ के अंदर जो हम लोग जिस तरह से इसकी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, तो वो हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट ही होता है। तो ये सब चीज़ें करिए और सर्विकल कैंसर से आप डेफिनेटली जो है हम इसको अपने मुल्क से ख़त्म कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और सर्विकल कैंसर पे हमें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस है hellodoctortdurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है डीडी उर्दू। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर एक बार गुफ्तगू करेंगे एक नए मौजू पे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। आदाब। और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। कैंसर एक मोहलिक मर्ज है और ये हमारे जिस्म में सेल्स की बेतरतीब हरकत की वजह से होता है। खवातीन के पोशीदा आज़ा का कैंसर ऐसी बीमारी है जिसके बारे में खवातीन बताने से गुरेज करती हैं। सर्विकल कैंसर रहम के निचले हिस्से या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। ये खवातीन में कैंसर की 4थी सबसे आम शक्ल है। सर्विकल कैंसर के 90% मामलात में ये HPV वायरस की वजह से होता है। ये एक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाला कैंसर है और इसकी अलामात को ठीक से पहचानना चाहिए। टीकाकारी और वक्फे वक्फे पर स्क्रीनिंग से इसके होने के इम्कानात कम किए जा सकते हैं। सर्विकल कैंसर के बारे में बेदारी की भी सख्त जरूरत है।